हेलो डियर आई सीरियस फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, कल से ही आपके आईसीआर यूजी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज एग्जाम का सेकेंड डे है। मॉर्निंग शिफ्ट की एग्जामिनेशन हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने अपनी फीडबैक शेयर की हुई है, जिसके बेसिस पे हम कम्प्लीटली हर एक सब्जेक्ट ग्रुप की पीसीबी की पीसीएम की एवीसी की और पीसी की सभी सब्जेक्ट ग्रुप की पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका प्रॉफिट आगे मिलने वाला है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी है, ये सब कुछ हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले, ठीक है। कम्प्लीटली हर एक सब्जेक्ट ग्रुप की पीसीबी की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, पीसीएम की क्या थी, एवीसी की क्या थी या फिर पीसीए की क्या थी, हम सब कुछ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी शेयर किया हुआ है, प्लस कुछ बच्चों ने कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ये सब कुछ हमारे साथ शेयर किया हुआ है। तो इन सभी को सबसे पहले थैंक यू, एंड उसके बाद जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्जामिनेशन आज हो चुका है, वो लोग भी अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो अदर व्यूअर्स हैं जो कि जिनका एग्जामिनेशन अभी इवनिंग शिफ्ट में या फिर कल होने वाला है, उनको इसका प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो कंप्लीटली हम हर एक सब्जेक्ट ग्रुप की हर एक सब्जेक्ट की बिल्कुल अच्छे से पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिस बच्चे को कल की शिफ्ट चाहिए, कल जो हमने पेपर एनालिसिस की थी उसकी वीडियो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक मेंशन कर रखी है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। कंप्लीटली ओवरऑल देखा जाए तो आपका एक बहुत ही मेजर पॉइंट था यहाँ पे आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल का, ठीक है। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट ग्रुप की सारी यूनिट की हम बात करने वाले, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उन्होंने लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आफ्टर एग्जामिनेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में। पीसीबी का एक मेजर पॉइंट था कि सभी बच्चों ने मैक्सिमम ने ये कहा है कि आपका ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट था, और एनसीईआरटी से कम्प्लीटली जो आपकी बायोलॉजी थी कम्प्लीटली एनसीईआरटी से आई हुई थी। पीसीबी वाले बच्चों को थोड़ा सा फिजिक्स में प्रॉब्लम हुई है, फिजिक्स में थोड़े से न्यूमेरिकल उनको लेंदी लगे, फिजिक्स को यहाँ पे वो मॉडरेट टू इजी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री उनकी इजी आई थी और बायोलॉजी भी उनकी मॉडरेट थी जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी से थी। तो जो बच्चे आगे पीसीबी से एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एनसीईआरटी की एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हैं, हालांकि लास्ट टाइम में आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहीं बात करते हैं पीसीएम के बारे में। तो पीसीएम वाले बच्चों का जो कल का एग्जामिनेशन था 13 का, उनका मैथमेटिक्स बहुत ही हार्ड था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, ठीक है। बट आज के पेपर में देखा जाए तो मैथमेटिक्स उनकी मॉडरेट थी, फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री में मॉडरेट क्वेश्चन थे। कुछ बच्चों ने यहाँ पे फिजिक्स का अपना शेयर किया हुआ, जिसमें कि ऑप्टिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स से क्वेश्चन आए थे, ग्रेविटेशन से और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स में, ठीक है। पीसीएम वाले जो बच्चे थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, और केमिस्ट्री में उनकी थ्योरी भी आई थी और केमिस्ट्री के पेपर उनके अकॉर्डिंग मॉडरेट ही था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। हालांकि जो पहले होता था कि बहुत क्वेश्चन हार्ड आते थे नीट के लेवल के आते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कल के भी एग्जामिनेशन में पेपर मॉडरेट ही थे और आज भी आपके पीसीएम के और पीसीबी के पेपर मॉडरेट ही थे, ठीक है। पीसीबी ग्रुप के बच्चों ने भी कुछ क्वेश्चन शेयर किए हुआ, यूनिट वाइज देखा जाए तो बायो में उनके अकॉर्डिंग डायवर्सिटी ऑफ लाइफ से और सेल्स यूनिट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं एबीसी ग्रुप के बारे में। एबीसी में एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री में सबसे सिंपल उनको एग्रीकल्चर लगी है, जो कि इजी टू मॉडरेट थी। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई थी कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों को, जो बच्चे पहली बार पीसीबी से एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन दे रहे थे, ठीक है, जिनका एग्जामिनेशन जिनका प्रिपरेशन एग्रीकल्चर का अच्छा नहीं था, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आए हुए थे, मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे और असर्शन रीजन से दोनों मिक्स करके 20 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर में। बायोलॉजी का पेपर मॉडरेट था, मॉर्निंग शिफ्ट का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें बायोलॉजी उनको मॉडरेट थी। और हमने एक चीज नोटिस की है कि मैक्सिमम बच्चों ने एनसीईआरटी के लिए, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए कहा है, एनसीईआरटी से कंप्लीटली आपकी बायोलॉजी की आई हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री मॉडरेट था, केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, उनके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में आपके हाइड्रोकार्बन से एटम स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पी ब्लॉक से भी कुछ बच्चों ने बताया हुआ है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि हमने आपको वेटेज की सिलेबस पहले ही बता दी थी, तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हो, जिनके एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं या फिर कल की डेट में हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसीएस सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में। उसके पहले बता दूं कि एग्रीकल्चर जो बच्चे दे रहे हैं जिनका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट जिनकी प्रिपरेशन एक साल से हुई है उनके लिए पेपर बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब बात करते हैं पीसीए के लिए। ग्रुप से बहुत कम बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, तो जो भी बच्चे पीसीए ग्रुप से एग्जामिनेशन दिए हैं वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, जो बच्चों ने फीडबैक दिया उनके अकॉर्डिंग बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट था, क्योंकि मैक्सिमम पीसीएम वाले ही पीसीए ग्रुप को चूज करते तो फिजिक्स उनको ज्यादा हार्ड नहीं लगती है, ठीक है। हालांकि फिजिक्स को उन्होंने मॉडरेट कहा है, केमिस्ट्री थोड़ी सी उनको हार्ड लगी, रिएक्शन में प्रॉब्लम्स आए थे और फिजिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी उनको मॉडरेट लगा, एग्रीकल्चर में उनको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगे, असर्शन और रीजन क्वेश्चन भी उनको हार्ड लगे, ठीक है। देखो,
बायोलॉजी और एग्रीकल्चर दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इसके अलावा असर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस किया कीजिए क्योंकि पिछले 3-4 सालों से NTA ICAR के एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो असर्शन और रीजन के ही देती आ रही है। ठीक है, कंप्लीटली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो था बायोलॉजी था वो NCERT बेसिस था। ठीक है, तो NCERT से 90% क्वेश्चन को आप मान सकते हो। एंड इसके अलावा एग्रीकल्चर में कुछ बच्चों ने अपने शेयर किए क्वेश्चन को, हॉर्टिकल्चर से था, ग्लेडियोलस कल्टीवेशन से था, इसके अलावा लाइव स्टॉक में था, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में था, सोरगम कल्टीवेशन से। तो ये सब क्वेश्चन यूनिट आपके शेयर किए गए हैं बच्चों के थ्रू जिनके अकॉर्डिंग सारा पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, अगर एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स बच्चों को लेंदी लगी है जो कि थोड़ा सा न्यूमेरिकली था, क्वेश्चन टाइम टेकिंग प्रोसेस था क्योंकि न्यूमेरिकल उनको सॉल्व करने पड़ रहे थे जिससे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। नेक्स्ट हम बात करें फिजिक्स की, इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकली और कॉन्सेप्टुअल दोनों थे। फिजिक्स में कुछ बच्चों ने बताया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से उनके न्यूमेरिकल्स आए हुए थे एंड इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन भी थे, न्यूमेरिकल थे, तो फिजिक्स हम मॉडरेट बोल सकते हैं। केमिस्ट्री थोड़ा सा उनको हार्ड लगी बच्चों को क्योंकि इनमें रिएक्शन वाले क्वेश्चन थे, बट जिनका भी एग्जामिनेशन PCB से था उनका केमिस्ट्री थोड़ा सा ईजी था। और बात करें केमिस्ट्री में तो हाइड्रोकार्बन एटम स्ट्रक्चर पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। एग्रीकल्चर बहुत ही मॉडरेट था, बहुत सारे बच्चे जो कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से पिछले 1 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एग्रीकल्चर हार्ड लगी, बट जो बच्चे भी नए जिन्होंने PCB को छोड़ के एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन दिया IVC ग्रुप से उनके लिए थोड़ा सा एग्रीकल्चर मॉडरेट लगा जिनको कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर से और लाइव स्टॉक में से और क्रॉप प्रोडक्शन में सोरगम कल्टीवेशन से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन शेयर किया हुआ है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकली थे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा टाइम लगा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया है। बायो में क्वेश्चन मॉडरेट थे, NCERT को फॉलो कीजिएगा। प्रॉब्लम्स आई हुई जिनके क्वेश्चन असर्शन और रीजन के थे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम आई हुई। तो ये था ऊपर ओवरऑल आपका पेपर का एनालिसिस। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड के साथ 2 फोटो ले लीजिएगा क्योंकि कुछ बच्चे भूल गए थे या उनको नहीं पता था जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। आधार कार्ड एक वैलिड आईडी प्रूफ ले लिया कीजिएगा, साथ में आप जो थंब इंप्रेशन लगा रहे हो अच्छे से लगाइएगा ताकि वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टाइम आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखने वाली बात है जो कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना में ICAR UG का पेपर इस बार काफी मॉडरेट रहा है। अभी तक 3 शिफ्ट के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, ठीक है, और पेपर का जो लेवल था वो काफी मॉडरेट रहा। ठीक है, आगे जो भी एग्जामिनेशन होंगे उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट एंड आप सभी लोग NCERT को फॉलो करके जाइएगा अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है, तो NCERT की कुछ MCQ भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग थोड़ा बहुत, और बहुत सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे आगे की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बने रहिएगा अग्री अपडेट के साथ, आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमने पेपर की एनालिसिस कर ली है, अगर अभी भी आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां भी अपने प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप सभी लोग अपने साथ अपनी फोटो आईडी कार्ड ले लीजिएगा, इसके अलावा एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और जींस वगैरह पहन के मत जाइएगा, कोई भी मेटेलिक चीज मत लीजिएगा, बेल्ट वगैरह जैसे मेटल लगे हो मत पहनिएगा, साथ में आप लोग हाफ स्लीव्स या फिर ट्राउजर्स लोअर्स वगैरह कुछ भी पहन के जा सकते हो। ठीक है, ये सभी चीजें हमने आपको पहले भी बता रखी है तो आप उस वीडियो को भी देख के इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हो। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, आप सभी एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए एंड थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।